तीन ऐसी पावरफुल परम शक्तियां हैं प्रभु, पार्श्वनाथ परमात्मा, चंदा प्रभु जी। और कभी मुंबई के आसपास में घूमने का अवसर मिले तो एक बार जरूर जाना। बलसाना तीर्थाधिपति विमलनाथ भगवान की जय हो। अहमदाबाद के अंदर में 2000 ऐसे लोगों को दिखा सकता हूँ कि जिन्होंने 21 दिन की विमलनाथ भगवान की आराधना की है और उनके सारे कार्य परिपूर्ण होंगे। यहाँ पर भी कोई होंगे जिन्होंने बलसाना के विमलनाथ भगवान को देखा होगा, शिवन ने देखा है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों ने 21 दिन की आराधना की होगी तो ऐसे वाणी के अंदर बुध ग्रह की महिमा और बुध ग्रह का अनुष्ठान जीवन के अंदर एक चीज सीख जाओ, बोल सको तो क्या बोलो, जोर से बोलो, बोल सको तो मीठा बोलो। प्रभु के दरबार में एक ही वाक्य है और जिसका नाम है तथास्तु। बोल सको तो मीठा, अभी 5 लोग ही बोले, सभी को बोलना है मीठा बोलो, क्या बोलना है, बोल सको तो मीठा बोलो। बस हम जब भी बोले सरस्वती माता इतनी मिठास निकले कि सामने वाला हो जाए कि बस बहुत हो गया। कटु वचन कभी न बोलो, और इसीलिए बताया है कि भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प यदि तुम बन न सको तो। दीवारें टूटती है तो आवाज आता है, ध्यान से सुन लेना सभी लोग, कि दीवार यदि मंदिर हिल जाए, दीवार टूट जाए तो खड़खड़ आवाज आता है। लेकिन हमारे शब्दों से कितने सारे लोगों के दिल टूट जाते हैं, हम महसूस ही नहीं कर पाते। सभी लोग दोनों हाथ जोड़िए। आज ये अनुष्ठान करते करते हमारे जीव के अंदर जबरदस्त मिठास और बुध ग्रह की साधना हम हमारे जीवन के अंदर उतारे। गुरुदेव बुध ग्रह यहाँ शांतिनाथ भगवान को ज्यादा चाहता है, विमलनाथ वगैरह भगवान भी उनके बड़े प्रिय हैं, पुण्यशाली आत्मन। 24 तीर्थंकर में शांतिनाथ भगवंत का महत्व सबसे ज्यादा बताया गया है और बुध का भी महत्व इतना ही बताया गया है। कौन व्यक्ति है कि जो जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होता है, ऐसा करे कि ऐसा करे, ऐसा जजमेंट ले कि ऐसा जजमेंट ले, क्या करना, बड़ा मन कंफ्यूज रहता है। जब मन कंफ्यूज रहता है तो आप बुध ग्रह का यह बलि विमलनाथ दाता हो, शांतिनाथ दाता हो, उनका जाप अवश्य करे। पुण्यशाली आत्म मन की शांति चाहिए तो भी बुध ग्रह, और बुध ग्रह यह ग्रीन उपाध्याय जो ज्ञान की संप्राप्ति चाहिए, आगम की शास्त्र की संप्राप्ति चाहिए, आपको आगम का श्लोक, शास्त्र के जो श्लोक जो या स्तोत्र वगैरह जो अपने धार्मिक है वो चढ़ते न हो तो भी आप बुध ग्रह का जाप करेंगे तो बहुत बढ़िया। स्किन प्रॉब्लम वगैरह हो तो बुध ग्रह, खाने पीने में गड़बड़ी हो तो भी बुध ग्रह, फूड पॉइजन हो तो भी बुध ग्रह, ऐसे अनेक तरह से देखे तो बुध ग्रह का महत्व है। तो चलो बुध ग्रह, बुध जो है नाम, यह दो शब्द बुध, ये देवताओं को कहा गया है, देवताओं का उपनाम है, शास्त्रों में देवताओं की जगह बुध का उपयोग किया क्योंकि वह बुद्धिमान होता है। जो बुद्धिमान होता है वही जीवन में, कुटुंब में, परिवार में, समाज के अंदर और देश की प्रगति में वही काम लगता है, पुण्यशाली। चले बुध ग्रह में नमो सिद्धाचार्य लीजिए। मेरी कुंडली के अंदर बुध ग्रह का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। प्रथम श्री गणेशाय नमो नमः। जिनके जन्म तारीख